ओके सो आज एक कविता स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये बहुत ही अच्छा कविता है और बहुत ही अच्छी पोएट ने लिखा है। इसके थ्रू आज हम पार्शियन जो होते हैं उनकी कुछ अपनी रिलीजन होती है स्पेसिफिक जिसको मनाते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो आप इसको पूरा ही समझें, पूरा ही देखें, आपको मजा आएगा और काफी जानकारी मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फायरहाइम। फायरहाइम मतलब ये आग की बड़ाई या आग की भजन, आग की कीर्ति या आग की कहानी को बयां किया जा रहा है। किसके द्वारा? काकी एन दारूवाला के द्वारा। हम बता दें काकी एन दारूवाला जिनकी जन्म हुई थी 1937 में, बी इक्वल टू बर्थडे, द रिसिपियंट ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था, यानी कि इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1984 में और इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला था। दो दो अवार्ड इनको मिला था। ठीक है। इज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड अ वेल मोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह एक लैंडस्केप पोएट थे। हमें लैंडस्केप का मीनिंग समझना होगा, लैंडस्केप का मतलब क्या है यहाँ पे। तो लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य। इसका मतलब ये होता है कि एक तरीका दुनिया को देखने का, राइट। और लैंडस्केप पोएट के मतलब क्या होता है, हम समझते हैं लैंडस्केप पोएट्री क्या होता है। सो लैंडस्केप पोएट्री होता है जिसमें हमें क्लैरिटी दी जाती है, ठीक है, डिफाइन किया जाता है एक तरीका और ट्रांसलेट किया जाता है एक देखने के नजरिया को, और हमें उसको देखने के नजरिए से अवगत कराया जाता है, यानी कि बात तो ही हुई परिदृश्य का। तो एक क्या थे, एक परिदृश्य यानी कि लैंडस्केप पोएट थे। लैंडस्केप का मतलब होता है देखने का नजरिया, राइट। राइट शॉर्ट स्टोरी। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह एक लघु कथाओं के प्रख्यात कवि और प्रसिद्ध लेखक थे। हिज पोएट्री इज इन हिज ओन वर्ड्स। ये जो पोएट्री है वो उनकी अपने ही मोहल्ले के बारे में है, अपने ही एरिया के बारे में बताता है, बयां करता है। अ टोटली इम्प्रेशनिस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। बताया जाता है कि जो घटना है, ये जो कविता है उनके ही एरिया का है जिसमें व्यक्ति की परख और प्रतिक्रियाओं की पूरी तरह से प्रभावशाली रिकॉर्डिंग है। लोग कैसे देखा उसको, लोगों ने क्या उसका प्रतिक्रिया दिया, उसका अपने ही एरिया का एक रिकॉर्डिंग है। लोगों का जो देखने का नजरिया था, व्यक्ति का जो परख था और उनकी जो प्रतिक्रिया थी उस घटना को देखने का, उसके बारे में है। ही क्लेम्स हिज पोएम टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप, राइट। यहाँ ये कहा जा रहा है कि वह अपनी कविताओं को ग्रामीण परिदृश्य में निहित होने का दावा करते हैं। एंड हेंस अर्थ है, और इस तरह यह मिट्टी से जुड़ी हुई है। बताता है कि ये जो कविता है इसमें, ये जो इनकी कविता है वो ग्रामीण यानी कि रूरल यानी कि जो गांव घर की एरिया होती उसके परिदृश्य को दिखाता है, वहां की चीजों के बारे में बताता है जो मिट्टी से जुड़ी हुई। जैसे हमें लैंडस्केप ऑलरेडी बोल दिया, वहां की चीजों को प्रदर्शित कर रहा है, वहां की चीजों के बारे में है जो गांव से जुड़ी हुई है उसको दिखाती है। ही शंस सोफिस्टिकेशन, राइट। बताते हैं कि वह जो मिलावटी होती है, जो कपट होती है, जो दिखावटी कृत्रिम चीज होता है उसको दूर रखते हैं अपने कविताओं से, राइट। एज ही थिंक, जैसा कि वो सोचते हैं, दैट इट वाइल एडिंग ग्लॉस टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड। जैसा कि वो सोचते हैं कि यदि वो पंक्तियों के बीच में जो मूल पाठक या व्याख्या है, जो मूल
व्याख्यान है, मूल शब्द है, उसको जोड़ते हैं उस कविता में, तो उसकी प्रभाव को वो खत्म कर देता है, उतना प्रभाव की इम्पैक्ट नहीं रखता, ऐसा उनका मानना है। द थीम ऑफ हिज पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, साइनिसिज्म, लाइफ ऑफ ह्यूमंस, सोसाइटी एंड वायलेंस। अब बताया जाता है कि उनका कविता का जो सार होता है, जो उनका कविता का विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, वो क्या क्या होता है, वो है प्रेम के बारे में, मृत्यु के बारे में, राइट, प्रभुत्व के बारे में, निंदा के बारे में, और मानव समाज की दुर्दशा और हिंसा के बारे में, ये उनकी कविताएं के सब्जेक्ट है, राइट। He writes with intensity and vigor involved in poetic creation, right? बताया जाता है कि उनकी जो काव्य रचना है, उनकी काव्य रचना में तीव्रता और दृढ़ता के साथ लिखने की right. उनकी जो कविता होती है, बेसिकली ये कह रहे हैं यहाँ पे he writes with intensity and vigor involved in poetic creation. So, उनकी जो काव्य रचना होती है, उन काव्य रचना में क्या क्या करते हो, काव्य रचना को बेसिकली तीव्रता और दृढ़ता के साथ लिखते हैं। Since he had been in police service, क्योंकि वह पुलिस में रह चुके थे काफी सालों तक, violence is unavoidable in his poetry, यानी कि उन कविताओं में हिंसा को डाला जाता है, हिंसा से दूर दूर तक रहते हैं, right? His important volume of verse, जो उनका मेन मुख्य खंड है, कविताएं हैं, वो है Under Orion 1970 में लिखा, right? Apparition in April जो 1971 में लिखा, and Crossing of River जो 1976 में लिखा, ये उनकी कविताएं का मेन वॉल्यूम है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉर सीन एंड वांडरिंग गोस्ट लाइट फ्राइटेन पासर्स बाय एज मूनलाइट स्कल्टर्ड अमंग द बोन्स वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallow all half-cooked limbs, right? यहाँ पे जो इसके माध्यम से कभी ये कहना चाहते हैं, यह है किसी घाट जहाँ पे हिंदू लोग की लाश को जलाई जाती है, उस घाट की घटना, उस घाट के बारे में बताते हैं, जैसे मैं घाट बता दूँ आप, राइट, ये जहाँ पे हिंदू को बॉडी को जलाया जाता है, उस घाट के बारे में कहावत है, कह रहे हैं, कभी कहता है यहाँ पे कि जहाँ हिंदू के बॉडी को मरने के बाद जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, और उस दाह संस्कार के बाद भी जो वहाँ पे उससे इससे जो आगे नजर आ रही होती है, उत्पत्ति हो रही थी, रेड डिसा जो होता है, और वहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए जब वो मून लाइट यानी चांदली लाइट में वो शव से जो इधर उधर आग बिखर रहा होता है, ये जो चिंगारी उड़ रही होती है, उसको देखने में बड़ा डरावना सा होता है, लोग डरते हैं उसको देखकर, राइट। कभी आए कहता है कि जब वो एक बार अपने बचपन में अपने पिता के साथ सूर्योदय होने ही वाला था, सुबह जो डाउन कहते हैं, उस समय नदी के किनारे जहाँ पे हिंदू के मृतकों को लाश को जलाया जाता है, हिंदी फोटो का जलाया जाता है, वो नदी के किनारे वहाँ टहल रहे थे कभी एक दिन पापा का अपने फादर के साथ, उन्हें देखा कि जो चीता है, चीता की अग्नि जो शव को भस्म कर डालती है, ऐसा बताया जाता है, जो चीता होती है वो शव जो बॉडी होती है मरी उसको भस्म कर जला देती है, एक मृतक के शरीर को दास कर्म की समाप्ति के बाद भी पूरी तरह से भस्म नहीं कर सकती, वो जो आग थी वो लोग तो चले गए लेकिन फिर भी वो जो माना जाता है कि पूरी तरह जला देती है चीता बॉडी को, वो पूरी तरह से नहीं जला पाई थी, राइट। तो यहाँ पे इसके बारे में वर्णन करते हैं और आगे क्या कहते हैं देखते हैं।
बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉर्ची सॉरी डिबॉर्चरी माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर। राइट, ये दो लाइन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो बताते हैं कि जो आग थी राइट वो शरीर को पूरी तरह जला नहीं सकी थी, जो कि आग की एक तरह से असफलता मानेंगे या दुर्गति मान सकते हैं। आगे कह रहे हैं कवि के पिता जो हैं राइट, तो कवि को उस लाश की तरफ जहाँ पे वो जो शव जल रहा था उतर लाश की तरफ कवि को जो पिता हैं वो कवि को उस आग आधी जली हुई जो उंगलियां हैं जो बॉडी की बात हो रही है और जो आधा जली हुई अस्थियां हैं उसके तरफ इशारा करते हुए बताते हैं एंड बोन स्टर्ब्स द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड ज़ोरोस्ट्रियन आई माय चाइल्ड फिंगर्स इनेक्टेड सॉरी क्लेंच्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन आई शोल्ड टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। राइट, तो वहां पे क्या होता है जो कभी उस आधी जली हुई अंगुरी और लाश की तरफ जो इशारा करके बताता है उसे और बताता है कि जो आग है वो भी कभी कभी अपनी कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता है राइट, असफल हो जाता है अपना काम करने के लिए। राइट, कभी जो कि पारसी है यानी कि ज़ोरोस्ट्रियन मतलब पारसी राइट पारसी है वो आग को इस तरह की उसकी जो करनी है उसको शुद्ध बताते हुए यानी कि उसको क्योंकि वो अपनी कार्य कर नहीं सका उसको बताते हुए अपनी मुट्ठी को पूरा जोर से बांधते हैं। क्लेंच मतलब होता है जोर से मुट्ठी बांधना पकड़ना कोई चीज को, पूरा उसे पेन भी हो रहा है उनको ठीक है हल्का इतना जोर से बांधना मुट्ठी में और वो शपथ लेके कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ये जो आग है जो आग कभी कभी क्या है कि अपनी कर्तव्य को भूल जा रहा है जो आग की भूलने की बीमारी से बचाने की कसम खाता हूं। वो बताते हैं कभी वहां उस बचपन में। राइट, आगे चलते हैं। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 इयर्स सिंस एज आई कंसाइन माय फर्स्ट बोर्ड टू द फ्लेम्स द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज अ थाउजेंड माइल द फॉर्म Heim said to me, you stand forgiven, broken, yet rebellious. I swore this time to save it from the sin of forgiveness. Right? यहाँ पे थोड़ा सा टर्न ले लेता है कविता और यहाँ पे कविता का सारांश क्या है राइट इस लाइन में कवि कहता है अपने 20 साल पुरानी बातों को याद करता है राइट वो घटना जब आग के बारे में है वो घटना जब आग ने अपना जो कर्तव्य था वो पूरी तरह से निभाने में चूक किया था 20 साल पहले की बात है राइट जो ऊपर पढ़ा था हमने। अब 20 साल आगे हम चले हैं 20 साल बाद की बात है राइट। तब से कवि कहता है कि जो आग है आज तक अपनी वो जो गलतियां थी वो नहीं दोहराई 20 साल से अपनी वो गलतियां जो कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाई थी आज तक नहीं दोहराई वो गलतियां राइट। एज अ कंसाइन माई फर्स्ट बोर्ड टू फ्लेम बताता है कि उसका जो लड़का था जो कवि का संतान था उसकी मृत्यु हो जाती है बचपन में मृत्यु हो जाती है और वो क्या है कि अपने बच्चे को आग में जलाता है हिंदू समाज की तरफ वो जलाता है क्योंकि The nearest tower of silence was thousands mile. The form Heim say, okay, thousand mile. अब देखो यहाँ पे इस चीज को बड़ी ध्यान से समझना कि tower of silence क्या है। कभी कह रहा है कि उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वो पारसी लोग क्या है पारसी लोग का चाल चलन है वो उनको मानते हैं आग को धर्म आग को वो ऐसा मानते हैं पवित्र मानते हैं मिट्टी को भी पवित्र मानते हैं तो वो जलाते नहीं है अपने जो उनके जो डेड बॉडी होता है और ना ही गाड़ते हैं। अब तो चाल चलन थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन पहले की बात थी तो वो टावर ऑफ साइलेंस की कहानी बताता हूँ मैं आपको।
देखो समझो इसको ध्यान से, टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, जो पार्सियन लोग मरते थे तो अपने उनके जो बॉडी होती थी, मरी हुई जो मृत्यु बॉडी होती थी उसको नहीं जलाते थे, क्योंकि वो आग को पवित्र मानते हैं, और दफनाते भी नहीं थे, वो मिट्टी को पवित्र मानते थे। तो उनका एक जगह होता था जिसका नाम है टावर ऑफ साइलेंस। इस टावर ऑफ साइलेंस पे ये जो जगह होती थी वहां पे वो बॉडी को रखते थे अपने कुछ अपने परंपरा के हिसाब से, और वो बॉडी को जो वल्चर होते, जो गिद्ध होते थे जानवर, जो पक्षी जो उड़ती आकाश में, वो आकर खाया करती थी, वो एक्सपोज करते थे बॉडी को, इसको टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। दोबारा समझा दूं मैं, हिंदू समाज में जो बॉडी को जला देते हैं, अलग समाज में उसको दफना देते हैं, लेकिन जो पारसियन समाज थी वो पहले क्या करा करती थी कि बॉडी को जलाती नहीं थी और गाड़ती भी नहीं थी, क्योंकि आग को पवित्र मानते थे इसलिए जलाते नहीं थे, और उनका ऐसा मानना था, और मिट्टी जो थी उसमें दफनाते नहीं थे। उनका मानना था कि बॉडी को एक्सपोज कर दो, इसको वल्चर खाएंगे तो उससे उनकी संतुष्टि होती थी, उनकी अपनी कल्चर। ये आप देख रहे हो छोटा छोटा जो है गिद्ध बैठे हुए हैं, ठीक है, ये खा जाते थे उनके बॉडी को, तो इसको टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, राइट। ये मैं समझाना चाह रहा था कि टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे इस कविता में क्या कहता है कवि कि जो उसकी संतान की मृत्यु हो जाती है, जो टावर ऑफ साइलेंस है जो दिखाया भी आपको मैंने, वो वहां से थाउजेंड्स माइल्स दूर है, बहुत दूर पे है, सो वहां पे नहीं जा पाता है मजबूरन बस, इसलिए उसका संतान को, अपनी संतान को आग में ही दाह संस्कार करता है। तो जब आग में दाह संस्कार करता है, उस समय जो कवि है उसको कुछ ऐसा महसूस होता है कि आग से कुछ आवाज आ रही है, और वो आगे कहना चाह रही है कि तुमने जो अपना पारसी, जो तुम्हारा धर्म है, पारसी में आग नहीं जलाते, तुम आग में जला रहे हो, तुम उसका उल्लंघन कर रहे हो, और मैं तुम्हें उस उल्लंघन करने के पाप से मुक्त कर दिया, यानी कि आप वो जो उल्लंघन किए उस पाप से मुक्त किए जाते हो। हालांकि कभी जब बैठा था वो दुखी था, अंदर टूटा हुआ था, फिर भी जो आग की जो बात सुनी उसको व्यंग्यात्मक तरीके से लिया, और कभी कहता है कि आज से, ठीक है, मैं भी ये शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी इस चीज को दोहराऊंगा नहीं, जैसे उस बार शपथ लिया था मुट्ठी बांधते हुए कि मैं शपथ लेता हूँ कि जो आग भूल जाती है अपनी कर्तव्य को, मैं उसको भूलने नहीं दूंगा। यहाँ अब अपने आप पे लेता है कि यहाँ आग के पास शाम से आई तो आग ने इसको कहा कि तुम भी अपने कर्तव्य को भूल गए हो, तुम्हें जलाना नहीं चाहिए, तुम जला रहे हो। लेकिन अब ये फिर कहता है कि ठीक है, आज मैं शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मैं भी इसको नहीं दोहराऊंगा, राइट। तो आपने देखा एक कहानी कितनी अच्छी थी, इसमें हमको जानकारी भी मिली हमें पार्शियन की बॉडी के बारे में, और टावर ऑफ साइलेंस किसको कहते हैं, ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है, राइट। तो हम आगे, हमारे पास 2 मिनट टाइम है इस वीडियो में, 10 मिनट का रिकॉर्डिंग होता है, तो मैं इसमें एक नंबर क्वेश्चन करा देता हूँ, राइट। सो पहला है द पोएम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ अ बर्निंग हार्ट, ए में बिल्कुल बर्निंग हार्ट का ही सीन डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, तो पहला का ए का ट्रू होगा। अब बी में आ जाओ, राइट। पासर्स बाय टेंड टू इग्नोर द बर्निंग एट द घाट, जो वहां से लोग गुजरते थे क्या वो जो घाट पे जल रही थी जो बॉडी होती उसको इग्नोर करते हैं, बी में नहीं इग्नोर नहीं करते, उसको देखते हैं, ए बी का होगा फॉल्स। सी द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटनिंग एट नाइट, जो साइट है जहाँ पे जलता है वो रात में क्या डरावना सा हो जाता है, बिल्कुल डरावना होता है, सी का होगा ट्रू। अब आते हैं डी में, द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूवेल टू बी अ स्पीकर, बताया जाता है कि जो वहां पे जल रही थी आग उसकी जो लालिमा थी क्या वो स्पीकर को क्रूवेल कर रही थी, राइट। डी का होगा ट्रू, बिल्कुल सही बात है। ई द हाफ बर्न्ड लिम्स एट द घाट सजेस्ट द ट्रू वर्किंग ऑफ फायर, राइट। ई में होगा फॉल्स, नहीं अपना कर्तव्य भूल रहा था फायर, राइट। एफ में होगा ट्रू, जी में होगा फॉल्स, और एच में होगा ट्रू, राइट। इस तरह से हमने इसका 1 नंबर का भी कवर कर लिया। यदि आपको आगे कोई हेल्प चाहिए होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं।